नारायणगढ़ थाने द्वारा 2 दिवस पूर्व 52 किलो डोडा चूरा का केस बनाया गया था, जिसमें कि आरोपी बनाए गए एक को गिरफ्तार कर लिया तथा दूसरा जो कि गुणवंत पाटीदार नामक युवक है उसको फरार घोषित किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस नेता एवं ग्रामीण जन आज एसपी कार्यालय पहुंचे और मांग की गई कि किसानों को गलत तरीके से एनडीपीएस के मामलों में फंसाया जा रहा है। राजनीति द्वेष और सफेद पोशों को बचाने के लिए गरीब किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद, राकेश पाटीदार, महेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। रोहित जाटिया के साथ वकार खान की रिपोर्ट। सर, पूरा मलारगढ़ क्षेत्र ही नहीं, मंदसौर क्षेत्र जो है आए दिन इन वर्दी वालों से परेशान है। भारत सरकार जो है अफीम के लाइसेंस देकर के हम लोगों से खेती करवाती है और खेती के बहाने जो है यहाँ के आला अफसर जो हैं खाकी वर्दी वाले और सफ़ेद पोश वाले मिलजुल करके ये दूसरी तरफ से यहाँ पर जो उन पुलिस अधिकारियों को लाया जाता है मंदसौर के अंदर जो उनकी चाटुकारिता करे और उन नेताओं को पैसा दे और कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है इस मंदसौर ज़िले का किसान अफीम किसान बहुत दुखी और परेशान है। ऐसे कई परिवार हैं जो आज जेलों में सड़ रहे हैं, जिनके फर्जी मुकदमे बनाए गए हैं और हजारों किसान जो है आज जेलों में सड़ रहे हैं। ज्ञामला गुणवंत पाटीदार का है, जिसके 56 किलो डोडा चूरा का 2 व्यक्ति के बीच में केस बना है और उनके ये पूरी तरह से फर्जी केस बनाया गया है। उनके पूरे एविडेंस हमारे किसानों के पास हैं, वो जिस दिन केस बनाया उस समय कहाँ पे थे, कहाँ पर केस बना, और उसका नाम जो है राजनीतिक द्वेषता से। और ये नारंगढ़ जो TI है इनके आपस में भी पहले 2 साल पहले टनाटनी हुई थी और कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेषता से अब वापस जिला पंचायत और इसके चुनाव आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग टांग नहीं अड़ाए तो ये नेता लोगों की और पुलिस वालों की मिलकर के ये साजिश है कि इस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाए ताकि जो है ये जो लोग हैं ये राजनीति में कहीं अरिंगा नहीं लगाएं। इस वजह से इस व्यक्ति को फर्जी केस बना करके फंसाया जा रहा है। आश्वासन तो यूँ कहना चाहिए कि कुछ नहीं बिना है, कुछ नहीं मिला है। एडिशनल SP साहब ने कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय हम जो है जांच करवाएंगे 8 दिन में और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरे को तो लगता है कि ये केवल आश्वासन मात्र है। गुणवंत पाटीदार का NDPS बना दिया गया है, लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि इसकी सही जाँच नहीं हुई और निर्दोष आदमी गुणवंत पाटीदार को अगर NDPS में फंसाया गया है तो हजारों लाखों किसानों की तादाद में इस नारंगढ़ थाने को, पीपलिया थाने को और SP कार्यालय को घेरा जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। आपका नाम? अमृत राम पाटीदार, किसान नेता, बालागुड़ा। बूढ़ा चौकी में एक NDPS का मामला बनाया उन लोगों ने तो उसमें फर्जी तरीके से मेरे भाई गुणवंत जी पाटीदार का नाम उन्होंने डाल दिया है। जिस टाइम में किसान आंदोलन हुआ था हम क्या है किसानों के साथ खड़े थे, किसानों की आवाज़ हमने उठाई, यहाँ तक कि मेरे भाई ने अपना पद त्याग दिया किसानों के लिए। तो उसी जो चीज़ें थी उनकी बदले की जो ये कार्रवाइयाँ इस टाइप से हमारे ऊपर की जा रही हैं और किसान आंदोलन के बाद से ही हमको मतलब दबाया और प्रताड़ित किया जा रहा है और आज इस जो मामला हुआ इसमें फर्जी तरीके से मेरे